दोस्तों कहते हैं कि जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, और आज का ये वीडियो देखने के बाद तो आपके दिल से भी यही आवाज आने वाली है कि वाकई में यार सच कहा तुमने, जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे कपल्स की जिनकी जोड़ी डेफिनेटली ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाई है यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 10, पोलो गैब्रियल एंड केट्यूसिया हुसिनो। कहा जाता है कि दुनिया में सबका कोई ना कोई जोड़ीदार होता ही होता है, और पोलो गैब्रियल एंड केट्यूसिया हुसिनो को देखकर तो यही लगता है। पर आपको ये बात भी बता दूं कि जब पोलो ने क्यूटिसिया को इंस्टेंट मैसेजिंग साइट पे मैसेज किया तो पहली बार में ही क्यूटिसिया ने उसे ब्लॉक कर दिया था। पर धीरे धीरे करके पोलो ने क्यूटिसिया का दिल जीत ही लिया। पहले तो दोनों ऑनलाइन ही बातें किया करते थे, फिर 20 दिसंबर 2008 के दिन इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और 29 दिसंबर से दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। बाकी लोगों की तरह इनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अच्छी चली, कुछ 4 साल तक, और साथ ही साथ महीने में एक दो बार तो मिल ही लिया करते थे। 21 साल के पोलो चल नहीं सकते थे, पर उन्होंने किस्मत को चैलेंज देने के लिए टीनेज से ही छोटे बच्चों की ट्राई साइकिल चलाना शुरू कर दिया। 2008 में पोलो ने चलना सीखा और कसम खाई कि अब फिर कभी भी बच्चों की साइकिल नहीं चलाएंगे। साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली और साथ ही दुनिया के शॉर्टेस्ट कपल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। नंबर 9, गैब्रियल एंड विक्टर। गैब्रियल एंड विक्टर एक ऐसा कपल है जिनका पैशन सेम है, यानी कि टैटूज। जी हाँ, इन दोनों ने अपनी बॉडी में कुल मिलाकर 77 मॉडिफिकेशन करवाए हुए हैं, जिसमें से 50 पियर्सिंग, 4 माइक्रोडर्मल्स, 11 बॉडी इम्प्लांट्स, 5 डेंटल इम्प्लांट्स, 4 ईयर एक्सपेंडर्स, 2 ईयर बोल्ट्स और एक फोक टंग है। विक्टर की 90% बॉडीज पे टैटूज हैं, जबकि गैब्रियल की 65% बॉडीज टैटू से कवर है। विक्टर ने 13 साल की उम्र में अपनी उंगली पे पहला टैटू बनवाया था और गैब्रियल का पहला टैटू था रेड रोज। ये कपल टैटूज को लेकर इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इन्होंने सबसे ज्यादा बॉडी टैटू होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नंबर 8, एमी वुल्फ एंड रोलर कोस्टर। दोस्तों, इंसान को इंसान के प्यार में पागल होते हुए तो हमने देखा ही है, पर जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर अमेरिका की एमी वुल्फ तो एक रोलर कोस्टर के प्यार में पागल हो गई। जी हाँ, पर ये अद्भुत लव स्टोरी कोई बच्चों वाली कहानी नहीं है, स्ट्रेंज बट ट्रू, जरा गौर से सुनिएगा। पेंसिल्वेनिया की रहने वाली एमी वुल्फ 1001 नाच के प्यार में पागल है, और ये प्यार इतना गहरा है कि एमी साल में तकरीबन 10 बार इस रोलर कोस्टर की राइड लेती हैं। पर आपको बता दूं कि ये कोई लैला मजनू वाली प्रेम कहानी नहीं है। असल में एमी को ऑब्जेक्टम सेक्सुअल नामक बीमारी है, जिसमें मरीज को इंसान से नहीं बल्कि चीजों से प्यार हो जाता है। नंबर 7, सिन स्टीफन एंड मिंडी निन्स। एरिजोना की रहने वाली मिंडी ने जब स्टीफन से शादी की, तभी से उसे कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, खास करके ऑनलाइन कमेंट्स का, जिसमें लोग उनके बारे में कई भद्दी बातें लिखते थे, क्योंकि उसने 2 फीट 8 इंच की हाइट वाले स्टीफन से शादी की थी। पर ये सब चीजें इन दोनों के रिलेशन को कभी भी छू नहीं पाई। शायद यही है प्यार। इन लव बर्ड्स की मुलाकात 2009 में एक म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हुई थी, और फिर 2012 में दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। स्टीफन बचपन से ही ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का शिकार हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनकी हड्डियां काफी कमजोर हैं। 18 साल के होने तक हाथ, पैर, गला और नाक, कुल मिलाकर इनकी तकरीबन 200 हड्डियों में क्रैक्स आ चुके थे। अब दोनों लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते, और आज दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ की हर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। नंबर 6, काइल जोन्स एंड मार्जरीना कॉल। दोस्तों, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है ना? इस बात को काइल जोन्स ने काफी सीरियसली ले लिया और अपने से बड़ी उम्र की औरतों को डेट करने लगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये बात और भी ज्यादा सीरियस तब हो गई जब उसने अपनी उम्र से 60 साल बड़ी मार्जरीना कॉल को डेट करना शुरू किया। क्यों हिला डाला ना? हालांकि ये कपल दिखने में माँ बेटा या दादा पोते जैसे लगते हैं, पर दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा सीरियस हैं। ऐसे ही मजाक मत उड़ाइए इनका। दोनों की मुलाकात एक बुक स्टोर में हुई थी, फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और इनकी प्यार की गाड़ी चल पड़ी। जोन्स या उसकी माँ के लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि जोन्स को बड़ी उम्र की औरतें ही पसंद है और काफी सारी औरतों को डेट करता और साथ ही अपनी माँ से मिलवाता भी था। नंबर 5, गंगा एंड जमुना। अगर आपको अभी भी लगता है कि सोलमेट जैसी चीज सिर्फ काल्पनिक होती है, तो ये कपल आपकी कल्पना को हकीकत साबित कर देगा। गंगा और जमुना कंजॉइंट ट्विन्स हैं, जिसे एक ही इंसान से प्यार हो गया। कोलकाता की रहने वाली गंगा और जमुना को बचपन से ही अपनी कंडीशन की वजह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था,
परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से इन दोनों का कोई इलाज भी नहीं हो पाया था। बचपन से ही किसी तरह का एजुकेशन ना मिलने की वजह से दोनों बहनों ने सर्कस को अपनी जिंदगी बना ली। दोनों सर्कस में एक रात के 2 से 2500 कमा लेती थी, पर सालों तक काम करने के बाद उन्हें लगा कि यार अब जिंदगी में किसी की कमी है। और तब अहमद उनकी जिंदगी में आया, जो कि उनकी सर्कस में एज अ साउंड इंजीनियर काम करता था। अहमद एक लोकल स्कूल में टीचर था, पर साथ में गंगा और जमुना को सर्कस में लेने और ले जाने का काम भी करता है। इतना प्यार होने के बावजूद भी ये लोग शादी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी इस बात को राजी नहीं है। नंबर 4, आशा मंडेला और इमैनुअल केस। दोस्तों, कई लोगों को अपने बाल सजाना संवारना काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, पर आशा मंडेला और इमैनुअल चेज के लिए तो बाल प्यार की लंबी निशानी बन गए। जी हाँ, इमैनुअल और आशा की पहली मुलाकात ऑनलाइन ही हुई थी। इमैनुअल ने आशा को कांटेक्ट किया, फिर जब आशा केन्या ट्रिप पे थी, जो कि इमैनुअल का नेटिव भी था, तो तभी दोनों की पहली मुलाकात हो गई। वैसे तो हस्बैंड्स अपनी पत्नी की हर काम में मदद करते हैं, पर आशा का कहना है कि इमैनुअल बाकी सबसे 2 कदम आगे हैं। इमैनुअल अपनी बीवी के बाल की काफी देखभाल करते हैं, वो मसाज करते हैं, हेयर वॉश भी करते हैं और आशा के बालों का काफी ध्यान रखते हैं। भाई सच में यार, मानना पड़ेगा जो मियां बीवी छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, उन्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। नंबर 3, वैम्पायर कपल। दोस्तों, ये बात तो आपने कई जोक्स में सुनी ही होगी कि पति पत्नी एक दूसरे का खून पीते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? पर आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में एक कपल वाकई में ऐसा है जो कि सच में एक दूसरे का खून पीते हैं। टेक्सास का ये जोड़ा एक वैम्पायर फेस्टिवल के दौरान मिला था और पहली नजर में ही दोनों के बीच एक कनेक्शन सा बन गया। इन दोनों को हाउसमैन डॉन के काउंट और काउंटेस भी कहा जाता है। दोनों के बीच 11 साल का एज डिफरेंस होने के बावजूद भी इनका रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि दोनों रेगुलरली बेडरूम में एक दूसरे का खून पीते हैं। नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग कपल। अगर आपका और आपके पार्टनर का गोल एक ही हो तो लाइफ का मजा तो यार दोगुना हो जाता है ना? और ऐसा ही एक कपल है लास वेगास के, बक और मिशेल मिलर। ये कपल अपने लुक्स को लेके अमेरिका में काफी पॉपुलर है। बक एंड मिशेल ने खुद को अमेरिका का सबसे हॉट कपल डिक्लेयर कर दिया है और इस कपल में अपनी इमेज बनाए रखने की आग कुछ इस कदर लगी हुई है कि ये अपनी इमेज मेंटेन रखने के लिए हर साल £50,000 खर्च कर देते हैं। अगर आप लास वेगास गए हैं तो आपको इनके पोस्टर ऑलमोस्ट हर दीवार में देखने को मिल जाएंगे। ये लोग अपनी फिजिक को लेके काफी ऑब्सेस्ड हैं और हर महीने मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, टैनिंग एंड जिम मेंबरशिप जैसी चीजों पे तकरीबन £4,000 खर्च कर देते हैं। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो ये तकरीबन 4 लाख रुपए होता है। अब नॉर्मल कपल तो वैसे किसी पार्टी या फिर डेटिंग साइट पे मिलते हैं, पर जैसा कि इनका प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, तो ये भी एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में ही मिले थे। इतना ही नहीं, आमतौर पर लड़कों को लड़कियों की आंखें या उनकी अदाएं अट्रैक्ट करती हैं, पर बक का दिल तो मिशेल के स्क्वाट्स ने जीत लिया था। यस। नंबर 1, एलिजाबेथ हॉर्ट एंड सेबी बोस्टर। दोस्तों, अब तक आपने कई सारे कपल्स देखे, पर नंबर 1 का जो कपल है ना, उसे देखकर तो आप में से कई लोग कहोगे, ले रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। यस, यूके की मॉडल एलिजाबेथ हॉर्ट ने परफेक्ट पार्टनर ना मिलने की वजह से अपने पेट से ही शादी कर ली, है ना गजब। एक इंटरव्यू के दौरान एलिजाबेथ ने कहा कि उसने 200 लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाई, जिसमें गोल्फर सेवी बोस्टर्स एंड फॉर्मूला 1 ड्राइवर जेम्स हंट्स भी शामिल हैं। इस दौरान वो 220 डेट्स पे भी गई, जो कि एलिजाबेथ के हिसाब से कंप्लीट डिजास्टर था। फिर थक हार के उसने लोगान को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।